विकसित भारत, ये विराट संकल्प भी है और तेजी से बढ़ते भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी। बीते 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व प्रयासों ने तेजी से विकसित होते भारत की एक सशक्त बुनियाद का निर्माण किया है। देश के गांव और शहर आज आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश लगातार बढ़ रहा है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत राजस्थान सहित देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क को अत्याधुनिक बनाने के साथ ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की। ये 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक है। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है। यहाँ के गांव, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को होने वाला है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने राजस्थान में पिछले 9 वर्षों में दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और जामनगर अमृतसर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सहित अनेक महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात दी है। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए आज 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 4 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। आज लोकार्पित होने वाली परियोजनाएं हैं NH-25 पर बर बिलाड़ा जोधपुर खंड की 4-लेन सड़क। यह राजमार्ग जोधपुर और जयपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उदयपुर से शामला जी तक 6-लेन बनने से उदयपुर डूंगरपुर क्षेत्र का जयपुर एवं गुजरात के प्रमुख शहरों के साथ संपर्क सुगम होगा, जिससे कृषि उपज और औद्योगिक उत्पादों की बड़े बाजारों तक पहुंच आसान होगी। झाड़ोल से अंबाबेली तक के 2-लेन सड़क से राज्य की अंदरूनी कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ ही जनजातीय बहुल झाड़ोल क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी। इसके साथ ही आज शिलान्यास किया जा रहा है 4 भुजा से निचली ओडन नाथ द्वारा तक 2-लेन सड़क के निर्माण कार्य का। इससे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुंभलगढ़, श्रीनाथ जी मंदिर एवं ऐतिहासिक हल्दी घाटी तक पर्यटकों का आना सुगम होगा। पूरे क्षेत्र में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी के इन प्रयासों से राजस्थान तेजी से तरक्की की ओर अग्रसर होगा और आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सशक्त भागीदार बनकर उभरेगा।